हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने एक बार फिर से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अनाज मंडियों में व्यवस्थाओं से लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तंवर ने हिसार की मंडी का दौरा किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने हिसार की अनाज मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिसार ही नहीं प्रदेश की अनाज मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए सुविधाओं का भारी टोटा है। अशोक तंवर ने मंडियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। मंडियों में उठान नहीं है, ठीक तरीके से व्यवस्था मजदूरों के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था, चाहे वो हम टॉयलेट और दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें, और साथ साथ भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, नजराने लिए जा रहे हैं, जो सरकार के चहेते लोग हैं उनको ठेके दिए गए हैं। देखिए हिसार के अंदर पिछले 5-6 दिन में 5-6 वारदातें हुई है, रोहतक के अंदर अशोक काका की हत्या दिन दहाड़े हुई है, तो प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का कोई गुंडों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हालात रहे, कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले जो हमने पिछले दिनों हिंसा देखी प्रदेश में, तो सरकार को तुरंत कठोर कदम उठा करके इसकी रोकथाम करनी चाहिए। अशोक तंवर ने शनिवार को गोहाना में हुए पंचायत सम्मेलन को गैर जरूरी आयोजन बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि पूरा आयोजन सरकारी खर्च पर किया गया। ये जो वहां पर बातें कल कही गई, सारी पूरी झूठ का पुलिंदा और झूठ पर आधारित तथ्य वहां पर पेश किए गए हैं, चाहे वो शिक्षा की बात कही हो कि नए स्कूल बनवाए, नए कॉलेज। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के किसी भी कोने में नए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई ऐसा फैसला हो। ये जरूर हुआ है कि सरकारी खर्चे के ऊपर पार्टी का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि औचित्य क्या था, क्या उससे हासिल हुआ, वहाँ पर जबरदस्ती हाजिरी बढ़ाई गई। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा है। ऐसे में मंडियों की हालत, कानून व्यवस्था और पंचायत सम्मेलन भी अब विपक्ष के निशाने पर है। हरिराम मिश्रा, जी मीडिया, हिसार।